हेलो एवरीवन, आज मैं आपको छठ पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। यह पर्व चार दिनों का पर्व है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहला दिन, जिसे नहाय खाय के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले घर की सफाई की जाती है, उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए लकड़ी व मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जाता है। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन उपवास रखते हैं। इस दिन वे अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। खाने में नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इस प्रसाद को व्रती एकांत में रहकर ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो। खाते समय व्रती का किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, जो षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा के लिए पूरे दिन विशेष तैयारियां की जाती हैं। प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया बनाया जाता है, पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रखा जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष सर पर रखकर घाट पर ले जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वहीं कुछ लोग छठ गीत गाते हुए घर आ जाते हैं और पूजा की सारी सामग्री को देवकारी में रख देते हैं। चौथे दिन सप्तमी की सुबह उदित मान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती घाट पर उगते सूर्य की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ की तरह ही होता है। व्रती पूरब की ओर मुंह करके उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं। व्रती घर आकर गाँव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद रखा कर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की उपासना का पर्व है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के पश्चात माता सीता ने भी उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण और द्रौपदी द्वारा भी इस व्रत को करने का उल्लेख मिलता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस, निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीत से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। अंत में आया है भगवान सूर्य का रथ,
आज है मनभावन सुनहरी छठ और मिले आपको सुख संपत्ति अपार, छठ की शुभकामनाएं करें स्वीकार। धन्यवाद।